रोक के गाड़ी और भाई साहब उनका चलान काट दिया। पर ये है कि अगर किसी पुलिस वाले ने रोक लिया ना, उस केस में आपको दिक्कत होगी, वो बोलेंगे कि इंटरनेशनल लाइसेंस और आपके पास होगा नहीं, तो फट देने से चलान काट दे। अब बात करता हूँ कि मस्टैंग मैंने कितने के लिए, मस्टैंग का 2000 दिरहम मैंने पे किया डिपॉजिट। आज के टाइम पे ना एक हवा भी हो रहा है ना, जब देख लेते हैं कोई बंदा दूसरी विदेश में जाकर गाड़ी चला रहा है, ओ भाई बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ ही नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम आपका एक नए वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मस्टैंग इधर कैसे चला सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिमाग में होगा कि हम दुबई आ रहे हैं तो सुपर कार कैसे चलाएं। पहली बात क्लियर कर देता हूं, इधर सुपर कार स्पोर्ट्स कार चलाना ना ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आपको लैम्बोर्गिनी चलाना, जब थोड़ा सा महंगा है, बट आपको सिर्फ ये है कि आपको सुपर कार का एक्सपीरियंस करना है, तो उस केस में आप बहुत ज़्यादा सस्ता है, ठीक है। मैंने मस्टैंग रेंट करी है, तो मस्टैंग के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको सबसे पहली नीड है, आपको यहाँ पे गाड़ी रेंट कैसे करें, ठीक है। दो तरीके हैं, आप इंडियन लाइसेंस पे भी ले सकते हो, पर ये है कि अगर किसी पुलिस वाले ने रोक लिया ना, उस केस में आपको दिक्कत होगी। दिक्कत कैसे होगी कि उनको कई बारी ना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है, वो बोलेंगे कि इंटरनेशनल लाइसेंस और आपके पास होगा नहीं, तो फट देने से चलान काट देंगे। और इधर चलान ना 200 रुपये से स्टार्ट हो गए, 10 लाख तक जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल लाइसेंस कैसे लें। अब इंटरनेशनल लाइसेंस ना बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में, ठीक है। तो मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च करके एक इंटरनेशनल लाइसेंस लिया हुआ था। मैं आपको पर्सनल डिटेल्स तो हाइड कर लेता हूँ, बस ऊपर का दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कुछ लाइसेंस है मेरा, ठीक है, गामा का करके। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करता है, और आप कहीं पे भी चला सकते हो पूरी दुनिया में, 180 प्लस कंट्रीज में आप इसको इजीली ड्राइव कर सकते हो इस लाइसेंस के साथ। इसके साथ एक बुकलेट सा भी होता है, वो होटल पे पड़ा है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा किसी और वीडियो में, नहीं तो एक बुकलेट आता है उसमें ट्रांसलेशन होती है सेम लाइसेंस की अलग अलग लैंग्वेज में, जैसे उर्दू हो गया, जैपनीज हो गया, चाइनीज हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, पुर्तगीज हो गया, टर्किश हो गया, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सारी जितनी लैंग्वेज हैं वो सभी उसके अंदर होती हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये कैसे अप्लाई करना है वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पर इंटरनेशनल लाइसेंस की आपको जरूरत पड़ती है। और जो ये वाला लाइसेंस है मेरे को 3000 रुपये में पड़ा था, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट है, आप 1 मंथ की वैलिडिटी का भी ले सकते हो 1000-1500 रुपये में, आप 10 साल की वैलिडिटी का भी ले सकते हो 5500-2000 में, अलग अलग प्राइस है, ठीक है। तो लाइसेंस की हो गई बात, ठीक है। ये कैसे अप्लाई करना है स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ताकि आप कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको आएगा, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस हो गया, अब आपको सिंपली जाना है किसी ट्रस्टेड कार रेंटल कंपनी के पास। अब वैसे तो ऑनलाइन भी होती है कि आपको होटल पे ही मिल जाएगी, बट मैंने इन पर्सन विजिट करके लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि इन पर्सन अगर हम जाके लेंगे ना तो हमारे को गाड़ी देखने को मिल जाएगी कैसी गाड़ी है, ठीक है। अब ऑनलाइन बुक किया तो पता नहीं कैसी आएगी, तो कुछ कह नहीं सकते। तो मैं इन पर्सन विजिट किया, मैंने VIP कार रेंट करके, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जहाँ से गाड़ी रेंट करते हैं उनके वीडियोस देखे थे कि वो कहाँ से रेंट करते हैं, तो सेम मैं वहाँ पे गया, क्योंकि एक ट्रस्ट इशू होता है ना, तो ट्रस्टेड जगह से गाड़ी लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे गया, मैंने गाड़ियों के बहुत सारे मॉडल देखे, लैम्बोर्गिनी देखी, ठीक है, मस्टैंग देखी, और मैकलन देखी, फरारी देखी, उरुस देखी लैम्बोर्गिनी की, मतलब काफ़ी सारी गाड़ी देखी, और उनके बजट ना काफ़ी हाई थे। उन सभी के बजट में वैसे आपको एक लिंक डाल दूंगा, PDF डाल दूंगा, ठीक है, जो आपको मेरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगी, वहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सी गाड़ी का कितना डिपॉजिट है और कितने रुपये का पर रेंट है। अब बात करता हूँ कि मस्टैंग मैंने कितने के लिए, मस्टैंग का 2000 दिरहम मैंने पे किया डिपॉजिट, ठीक है, जो होता है 45,000-45,500 रुपये, और इसके डिपॉजिट के अलावा जो मैंने पर डे का रेंट दिया वो दिया मैंने 400 दिरहम, ठीक है। ये तो 1-2 दिन का है, अगर आप वीक के नाम से लेते हो तो और सस्ती हो जाएगी, ठीक है, पर 400 दिरहम मैंने पर डे के हिसाब से इसका पे किया, जो कि बनता है अप्रोक्स 9-10 हज़ार रुपये के आसपास। और 10 हज़ार में अगर आपको ये 24 घंटे चलाने को मिल जाए, फोटो वोटो खींचने को मिल जाए, दुबई एक्सप्लोर करने को मिल जाए, तो मतलब काफ़ी अच्छी डील है। और सबसे मेन चीज़ भाई साहब मस्टैंग है, ठीक है, आप मज़े मार सकते हो। इधर एक लोकेशन है बहुत बढ़िया जिसका नाम है हाफ डेजर्ट रोड, मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं उधर गया था, वहाँ पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है, आप वहाँ पर अपना शौक पूरा कर सकते हो, ठीक है। मैंने 140 तक चलाई थी, और यहाँ पर गाड़ियों की जो स्पीड है वो माइल्स में होती है,
जो मीटर में दिखाती है, यानी एक माइल लगभग 2-2.5 किलोमीटर के आसपास होती है, यानी एक माइल में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, तो दो में मतलब तीन प्लस ही हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्पीड लिमिट का भी थोड़ा ध्यान रखना है, रोड के ऊपर अलग अलग जगह पे बोर्ड लगे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड मेंटेन करनी होती है। अब आपने गाड़ी रेंट कर ली, रोड के ऊपर कैसे चलानी है, देखो यहाँ पे ना रूल फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे बहुत आसान है, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे लैन सिस्टम है, उसके लिए भी मैंने ना एक सेपरेट वीडियो बना दिया है कि आप क्या क्या पाँच चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपने ध्यान देना है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना, या फिर इधर पिन मैं कर दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको वीडियो मिल जाएगा कि रूल क्या फॉलो करने हैं, पाँच रूल हैं, ठीक है। अब गाड़ी रेंट करने के बाद अब बात आती है कि आपको इसमें चलान वलान का क्या सिस्टम है, दूसरा चलान के अलावा आपको फॉर एग्जांपल कहीं पे जा रहे हो तो कैसे जा सकते हैं। गूगल मैप परफेक्ट लोकेशन दिखाता है, एक आधी बार थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, वो हर जगह करता ही है, गूगल मैप के सारे आप पूरे दुबई में कहीं पे भी जा सकते हो। दूसरा इनके ऊपर स्पीड लिमिट होती है, स्पीड लिमिट बोल रहा हूँ कि किलोमीटर माइल्स की लिमिट होती है, मेरे को इसकी एक दिन की 250 किलोमीटर मिली थी और एक दिन में 250 किलोमीटर बहुत हो जाता, आप अच्छा खासा एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, तो ये होगी कार रेंट करने की बात। कार रेंट आप आराम से कर सकते हो, मस्टैंग मैंने ली मैंने बता दी, उसके अलावा आप फरारी भी ले सकते हो, लैम्बोर्गिनी का मैंने पूछा था, लैम्बोर्गिनी का मेरे ख्याल से 4,000 दिरहम पर डे का रेंट था, अप्रोक्स 80-90 हज़ार लाख रुपए के आसपास, जो ईवो है उसका, ठीक है, और उसका डिपॉजिट बहुत ज़्यादा था इसलिए मैंने ली, डिपॉजिट था 4-5 से 6 हज़ार दिरहम, जो कि 6×12 लगभग 1 लाख से ऊपर जाता है, और वो मैंने वर्थ नहीं समझा कि इतना मैं डिपॉजिट दूँ इसके लिए और फिर इतना ही रेंट दूँ एक दिन का, वो मैंने वर्थ नहीं समझा। दूसरा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा कि ऐसी गाड़ी चलाते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो और नॉर्मली मैं उसको मैनेज कर पाऊँ। अगर आप एक चीज़ और बताता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल आप इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, या फिर जो भी अपनी एशियन कंट्री हैं, वहाँ पे ना राइट हैंड ड्राइविंग होती है, और राइट से जब आप लेफ्ट पे चलाते हो तो बहुत सारे लोगों को ये भी टेंशन रहती है कि भाई राइट से लेफ्ट हम चला पाएंगे कि चला पाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ा पंगा नहीं है। मेरे को तो सच बताऊँ 1 किलोमीटर फील हुआ था बस, वो भी कि कैसे मैनेज हो रहा, उसके बाद अपने पास ऑटोमेटिक सा सेट हो गया कि ओ चला सकता हूँ, मतलब ईजी है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट करोगे ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, तो इस चीज़ की टेंशन आप करे दो, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, आप चलाओगे 1 किलोमीटर सेट हो जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव आप इजीली कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, रेंट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप दुबई आओ और गाड़ी रेंट करो। आज के टाइम पे ना एक हवा भी हो रहा है ना, जब देख लेते हैं कोई बंदा दूसरी विदेश में जाकर गाड़ी चला रहा है कि ओ भाई बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ, 10-20 हज़ार रुपये तो आपकी पॉकेट में होने चाहिए, क्योंकि फ्यूल भी डलवाना होता है, ठीक है, फिर टोल भी होते हैं रोड के ऊपर, तो वही है कि अगर आप यहाँ पे आगे सुपर कार चला रहे हो ना, तो आप 50,000 डिपॉजिट लेके आओ, 15,000 रुपये गाड़ी चलाने का, फ्यूल का, खाने पीने का, इन चीज़ों का लेके आओ, ठीक है। तो मतलब आप इजीली दुबई में ड्राइव कर सकते हो। मेरे ख्याल से इस वीडियो में आप लोगों का एक दिमाग से वहम निकल गया होगा कि दुबई में आके सुपर कार चलाना मतलब वहम, दूसरी गाड़ियों के साथ हम फोटो खिंचाते हैं, अपनी रेंट करो ना, मस्त आराम से फोटो क्लिक करवाओ। हाँ, जहाँ पे आपको लैम्बोर्गिनी वगैरह के साथ फोटो क्लिक करवानी है, तो जब कार रेंटल कंपनी के पास जाओगे आप उनको बोलोगे कि ये वाली गाड़ी खोल दे, फटाक दे खोल देंगे यार वो, आप अंदर बैठ के फोटोज खिंचाओ, रेदर देन आप किसी और की गाड़ी के साथ होटल के सामने खड़ी करवा के, खड़ी गाड़ी के सामने फोटो खिंचवा लो, वहाँ पे तो पता चले कोई सिक्योरिटी गार्ड बोल दे आपको कि यार हटो यहाँ से, इस पे फोटो मत खिंचाओ, तो डीमोटिवेट हो जाओगे वहाँ पे। तो इससे बेटर है गाड़ी रेंट करो और चलाओ। अब एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि गाड़ी का टोल वगैरह कैसे हमारे को देना है। टोल वगैरह इसके अंदर ना ऑलरेडी एक स्लिप लगी हुई है, इधर देखो ये वाली लगी हुई है ऑलरेडी, तो आपको टोल ना जब आप गाड़ी वापस करोगे तब आपको उन्हीं को पे करना है, जो भी आपके रेंटल कंपनी है उनको आपको टोल पे करना है, तो टोल की टेंशन ही नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि टोल कहाँ आया कहाँ नहीं आया, पता नहीं क्या GPS सिस्टम है, क्या है कैसे है, टोल अपने आप कट जाता है। रही बात चलान की, चलान भी अपने आप ही कट जाता है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया क्या नहीं, ना कोई पुलिस वाला आपको रोकेगा, सीधा चलान कट जाएगा। तो अगर आपको दुबई में आके गाड़ी चलानी है ना, तो इससे पहले, चलाने से पहले, रेंट करने से पहले मेरा पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें मैंने 5 रूल बताए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं, और बेसिक रूल तो आपको ध्यान रखने रखने हैं, बेल्ट लगा के चलना है, लाइन फॉलो करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छे से ब्रीफ किया है मैंने दूसरे वीडियो में, तो वो वाला वीडियो जरूर देखना अगर आपको दुबई के अंदर गाड़ी चलानी है। अगर आपका इसके अलावा कोई भी डाउट है कि दुबई में आके हम, कोई भी किसी भी तरह का डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो डाउन, ठीक है, मैं हर एक कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा, आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, मैं आपका 100% रिप्लाई करूंगा। अब बात आती है कि मस्टैंग को हम चला कैसे सकते हैं, क्योंकि आप पहली गाड़ी मस्टैंग ही लोगे, ठीक है, क्योंकि
मेरे YouTube से आप आ रहे हो तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि मस्टैंग चला लेते हैं, तो मैं आपको कुछ दो तीन चीज़ें बताता हूँ कि मस्टैंग चलानी कैसे है। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे ना दो ही होते हैं पैडल, एक होता है ब्रेक और एक होती है रेस, ठीक है। ये है नॉब गियर की, इसके ऊपर ना बहुत सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप अगर ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हो तो आपको पता होगा। बस इसमें दो फीचर एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, एक है स्पोर्ट्स का और एक मैनुअल का। अब देखो, पी पे पार्क होता है, आर से रिवर्स होता है, एन से न्यूट्रल होता है, डी से ड्राइव होता है, एस से स्पोर्ट्स मोड होता है, उसमें इसकी आवाज़ चेंज हो जाती है और पावरफुल हो जाती है और बहुत ज़्यादा, और इधर से ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आप पहली बार चला रहे हो तो हमेशा आपकी ऑन रहनी चाहिए, आगे वाले ऑटोमेटिक पे लगा के देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार्ट कैसे करनी है, चलानी कैसे, वो भी बता देता हूँ आपको। सिंपली इंजन स्टार्ट करना है, ब्रेक दबा के इंजन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे कुछ लाइटें आ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि हो गई स्टार्ट, सामने दिखा रहा है पी आर एन डी एस, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि भाई कौन से मोड के अंदर गाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे एक हैंड ब्रेक होता है और इस वाली गाड़ी के अंदर ही आपको हैंड ब्रेक मिलता है, जिसे आप ड्रिफ्ट वगैरह कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ से ऐसे दबा के ब्रेक दबा के डी पे लेके जाना है, जो कि आपको वहाँ पे भी दिखा देगा, ठीक है, डी, और इधर से आपको सिर्फ हैंड ब्रेक हटाना है। अभी मेरे को जैसे रिवर्स करनी है तो मेरे को सिंपल ब्रेक दबा के इधर जाना है और आर पे कर देना है, ये वाला आर दिखा रहा है दूसरे नंबर का, तो दो बारी कट बाजना चाहिए ये, तो आप दूसरे पे लग जाओगे, ठीक है। तो अभी हम चला नहीं रहे तो यहीं खड़ी कर देते हैं, ठीक है। पार्क कर दिया मैंने, हैंड ब्रेक खींच दिया, ये सिंपल से फंडे हैं। और रही बात स्पीड लिमिट का, तो बता देता हूँ यहाँ पे ना माइल्स में स्पीड होती है, ठीक है, गाड़ियों के अंदर, पर उसके नीचे होती है किलोमीटर में। अब मेरे को भी ये कन्फ्यूजन हुआ था स्टार्टिंग में कि मेरी किलोमीटर पे चल रही है, मेरी 40 पे चल रही थी पर किलोमीटर थे 90 के आसपास, 80-90 के आसपास, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, किलोमीटर में स्पीड लिखी हुई है रोडों के ऊपर, पर गाड़ियों में क्योंकि बाहर से एक्सपोर्ट होती है, इम्पोर्ट होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो किलोमीटर है वो नहीं दिखाता, माइल्स दिखाता है। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, आप नीचे वाला मीटर फॉलो करोगे, ठीक है, जो के एम पर आवर लिखा हुआ है, एम माइल्स पर आवर वाला जो बड़े में दिखा रहा है, ये वाला बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, ठीक है। एक ये चीज़ है, और दूसरा, अगर आपने गाड़ी चलाई है तो आप इजीली चला सकते हो, मिरर वगैरह एडजस्ट करो दोनों साइड से, और ये वाला मिरर अपना एडजस्ट करो और आराम से आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो गाइस, दुबई पुलिस के पास BMW है, और अभी मैंने पता है क्या देखा, पुलिस वाले रोक के गाड़ी और भाई साहब उनका चलान काट दिया। अब कितने का काटा है वो मेरे को नहीं पता। तो दुबई आओ तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आप रूल फॉलो करो, जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड फॉलो करो। अगर वैसे तो रोड क्रॉस कर लेते हैं, पर इन्होंने देख लिया ना रोड क्रॉस करते तो भाई साहब 100% चलान काट देंगे, और मिनिमम वही है कि 200-300 दिरहम तो चलान है ही है, 200 का भी कटा तो 5-6 हज़ार रुपये का चलान है। तो दुबई आओ तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना।